मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का जिसका नाम जोना होता है वो दिखाया जाता है जो उस वक्त अपने पेरेंट्स की एक पिक्चर देख रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की कुछ अरसा पहले ही एक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ था जिसकी वजह से सारा कर्जा जोना के सर पर आ जाता है। और तभी जोना को उसके फ्रेंड जिसका नाम रिचर्ड होता है उसकी कॉल आती है। रिचर्ड जोना को कहता है कि मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही रिचर्ड जोना के घर पर आता है वो जोना को बुरे तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की बिल्कुल ठीक वक्त पर वहाँ आकर जोना को बचा लेती है। उस लड़की का नाम साशा होता है। साशा और रिचर्ड एक दूसरे को लाइक करते थे और किसी बात को लेकर रिचर्ड जोना से नाराज था और यही वजह है कि उसने जोना को इतना मारा। साशा रिचर्ड को कहती है कि तुम बिना वजह का गुस्सा कर रहे हो, जोना को मार रहे हो जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। साशा और जोना रिचर्ड से नाराज हो जाते हैं और रिचर्ड अपने फ्रेंड्स उन दोनों को मनाने के लिए उन्हें एक बीच पर लेकर जाता है। उन लोगों का प्लान था कि वो एक दिन के लिए पूरे समंदर की सैर करेंगे और वो एक दिन के खाने का सामान अपने साथ लेकर वहाँ पर आते हैं। रिचर्ड फाइनेंशियली एक अमीर लड़का था क्योंकि उसके फादर एक रिच और खतरनाक किस्म के आदमी थे। रिचर्ड कई बार अपने फ्रेंड जोना की फाइनेंशियली हेल्प भी कर चुका था। वो लोग बोट लेकर अपने समुंदर की सैर पर निकल जाते हैं। बोट में जोना और रिचर्ड एक साथ बैठे हुए थे और वो दोनों बातें कर रहे थे जबकि साशा दूसरी साइड पर सन बाथिंग ले रही होती है। जोना रिचर्ड से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा था। तब रिचर्ड उसे जवाब देता है कि मुझे तुम दोनों पर शक था कि शायद तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जोना उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुमने हमारे बारे में गलत सोचा है। जोना और रिचर्ड दोनों मिलकर फिशिंग करने लगते हैं और इसी दौरान जोना साशा से बातें करने लगता है और जब रिचर्ड उन दोनों को देखता है तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो फिर से उन पर डाउट करता है कि अब तो सचमुच इन दोनों का रिलेशनशिप है। रिचर्ड जोना के पास जाकर उस पर हार्पून तान देता है और तभी पीछे से आकर साशा रिचर्ड के सर पर बॉटल मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। साशा जोन को बताती है कि मैंने इस पर इसीलिए स्टैब किया क्योंकि वो तुम्हें जान से मारने वाला था। जोना साशा को कहता है कि तुमने गलत सोचा, उसने मुझे नहीं मारना था। इसी बातचीत के दौरान रिचर्ड उठ जाता है और वो जोना के मुंह पर पंच मारता है जिससे वो जाकर समंदर में गिरता है। तब साशा रिचर्ड की तरफ वो हार्पून करते हुए उसे वार्न करती है लेकिन बाय मिस्टेक उससे हार्पून चल जाता है जो सीधा आकर जोना के हाथ पर लगता है। ये देखकर रिचर्ड साशा का गला दबाने लगता है और तभी पीछे से आकर जोना रिचर्ड के सर पर उस हार्पून से वार करता है जिससे रिचर्ड बेहोश हो जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। रिचर्ड को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो ये जिंदा हुआ और ये उठ गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर ये मर गया तो इसके फादर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर रिचर्ड के फादर से कैसे बचा जा सकता है। रिचर्ड जो कि बोट के बिल्कुल किनारे पर होता है और पुल होने की वजह से वो समंदर में गिर जाता है और पानी में गिरने की वजह से वो होश में आ जाता है। ये देखकर जोना रिचर्ड पर हार्पून तान देता है। तभी रिचर्ड जोना को बताता है कि इस बोट की चाबी तो मेरे पास है और अगर तुम मुझे मार डालोगे तो ये चाबी भी मेरे साथ ही चली जाएगी और तुम दोनों हमेशा के लिए इस जगह पर फंसे रहोगे और एक दिन मर जाओगे। लेकिन अगर तुम तेज धार वाले हथियार और सब नुकीली चीजें बोट से फेंक दोगे तब मैं ऊपर आ जाऊंगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और फिर हम तीनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर साशा उसे कहती है कि अगर हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारी जान बचा लेते हैं लेकिन फिर भी तुम जाकर अपने फादर को हमारी कंप्लेन कर दोगे और तुम्हारे फादर हमें जान से मार डालेंगे। तब रिचर्ड कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ और तब जोना सब नुकीली चीजें समंदर में फेंक देता है। वो बोट से एक एक चीज निकाल कर समंदर में फेंक देता है और जब वो सब कुछ फेंक देता है तब रिचर्ड बोट में आ जाता है। वो तीनों फ्रेंड्स बोट के टॉप पर आ जाते हैं और उस चाबी से बोट को स्टार्ट करने लगते हैं लेकिन वो बोट नहीं चल पाती। वो लोग इतने गहरे समंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुके थे। इस सारी सिचुएशन को देखकर रिचर्ड को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों को ही ब्लेम करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रिचर्ड को बोट में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें वो पानी भरने लगता है लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनके पास पीने का पानी भी अब खत्म हो चुका था। अब सर्वाइव करने के लिए ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी था क्योंकि वो अपने साथ यहाँ पर सिर्फ एक दिन का ही खाना पानी लेकर आए थे। और ऐसे ही उन लोगों को कई दिन उस बोट में गुजर जाते हैं। इतने बड़े समंदर में कोई भी उनके अलावा वहाँ पर ऐसा नहीं था जो उनकी हेल्प कर सकता। रिचर्ड एक दिन एक बर्ड को पकड़ता है और उसका खून जमा कर लेता है। वो तीनों उस बर्ड के खून को पीते हैं लेकिन जोना को उस बर्ड का खून डाइजेस्ट नहीं होता और उसे वॉमिट होने लगती है। तभी रिचर्ड वहाँ पर एक वाइन की बॉटल लेकर आया था जिसे वो कहीं पर रखकर भूल गया था। वो तीनों वाइन को पीकर गुजारा करते हैं। इसी दौरान रिचर्ड जोना से पूछता है कि जब मैं पानी में था तब तुम्हें मुझसे डर लगा था, जिस पर जोना कहता है कि तुमसे तो नहीं लेकिन तुम्हारे फादर से जरूर डर लगा था क्योंकि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे फादर ने हमें जिंदा नहीं छोड़ना था। इसके बाद वो तीनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करके काफी एंजॉय करते हैं। जोना अपने हाथ को देखता है जो कि हार्पून लगने की वजह से काफी इंजर्ड था और उसका जख्म फैलता ही जा रहा था और साथ ही उसे किसी किस्म का इन्फेक्शन भी हो गया था। जोना अपने जख्म को साफ करता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि उसे नींद नहीं आती। जोना की ऐसी हालत देखकर साशा रिचर्ड को कहती है कि हमें इसका हाथ काट देना चाहिए वरना ये इन्फेक्शन इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। रिचर्ड कहता है कि इसका हाथ काटने के लिए ना तो हमारे पास कोई तेज धार वाला हथियार है और ना ही कोई नुकीली चीज
चीज है क्योंकि वो सब कुछ दोनों ने समंदर में फेंक दी थी। तब साशा उसे टूटा हुआ गिलास का टुकड़ा लाकर देती है। उस कांच को देखकर जोना बुरी तरह डर जाता है, लेकिन साशा उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि तुम्हारा हाथ काटना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो ये इन्फेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तब रिचर्ड जोना के हाथ को एक बेल्ट से बांधता है और कांच के टुकड़े से उसका बाजू काटने लगते हैं। उस कांच के टुकड़े से जोना का बाजू तो नहीं कटता, लेकिन उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था जिसको रिचर्ड जमा कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड साशा से पूछता है कि अगर जोना मर जाता है तो क्या हम उसकी डेड बॉडी को खा सकते हैं, जिस पर साशा उसे कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस बारे में मत सोचो। रात को जोना की हालत काफी खराब हो जाती है, उसे पूरी बॉडी में काफी पेन हो रही थी। तब साशा जाकर जोना को रिलैक्स करती है। जोना साशा से कहता है कि अगर मुझे खाने के लिए इस वक्त कुछ भी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर रिचर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और तब साशा रिचर्ड का मुंह बंद करवाती है। बाद में वो तीनों कोई थ्रेड खींचने वाली गेम खेलते हैं और उसमें शर्त ये रखी जाती है कि जिसका धागा छोटा होगा वो मारा जाएगा और बाकी दो सर्वाइवर फ्रेंड अपने फ्रेंड को मार कर उसकी डेड बॉडी से खून पिएंगे और उसे खा लेंगे। पहली बारी में साशा का थ्रेड बिल्कुल छोटा आता है। अब क्योंकि साशा की मरने की बारी थी तो वो कहती है कि हमें इस गेम को एक और बार ट्राई करना चाहिए। और दूसरी बारी में रिचर्ड का धागा सबसे छोटा आता है और रिचर्ड भी सेम साशा वाली बात ही करता है कि हमें इस गेम को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, जिस पर साशा कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये आखिरी बार था। और ऐसा कहते ही जोना रिचर्ड का गला काट देता है और उसे जान से मार डालता है। और फिर जोना एक जगह से कुकीज लेकर आता है और वो उसे साशा को देता है और कहता है कि मैं कितनी देर से रिचर्ड को मारने का वेट कर रहा था। जोना कहता है कि मुझे तो कल ही पता चल गया था कि ये बोट खराब होने वाली है और इस खराबी की वजह थी इस बोट का खराब जनरेटर। वो कहता है कि मैंने ये बात रिचर्ड को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अगर हम यहाँ से बचकर वापस जाते तो वो अपने फादर को बता देता और उसके फादर ने हमें छोड़ना ही नहीं था और उसके फादर ने हमें जान से मार डालना था। साशा जोना का ये जालिमाना सलूक और उसका ये फेस देखकर काफी डर जाती है और फिर जोना फ्यूज लगाने जाता है क्योंकि अगर वो फ्यूज लगा देगा तो ये बोट चल पड़ेगी। और जैसे ही वो फ्यूज लगाता है बोट चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही बोट चलती है साशा जोना को पंच लगाकर उसे समंदर में फेंक देती है। जिस जगह पर जोना गिरा हुआ था वहाँ पर बोट का फैन भी लगा हुआ था और फैन में कटने की वजह से जोना की मौत हो जाती है। और फिर साशा बोट को स्टार्ट करती है और गियर लगाते हुए एक झटका लगता है जिससे साशा भी जाकर समंदर में गिर जाती है और बोट आगे निकल जाती है। अगर वो तीनों खुदगर्जी का मुजाहिरा ना करते तो वो तीनों बच सकते थे। और यहीं पर हार्पून मूवी एंड हो जाती है।